दोस्तों आज हम सभी के पास हमारी यादें संजोने के लिए स्मार्टफोन्स हैं, जहां हम अपनी यादों को सालों तक संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग कहीं जाते समय अपने सूटकेस में उन तस्वीरों को साथ रखते थे जिनसे उन्हें खासा लगाव होता था। उसमें एक माँ, पिता, बीवी या बच्चे कोई भी हो सकता था। लेकिन क्या हो अगर तस्वीर रखने वाला नेत्रहीन हो, ऐसे में वो कैसे यादों को संभाल सकता है? तो दोस्तों ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी आज की ये मूवी जिसका नाम है द कलर ऑफ पैराडाइज। तो कहानी की शुरुआत होती है मोहम्मद से जो देख नहीं सकता। वो अपने जैसे ही दिव्यांग बच्चों के साथ एक हॉस्टल में रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि कई बच्चे अपने पास कैसेट रखे हुए हैं जिसमें किसी के कैसेट में उनके माँ बाबा की बातें हैं तो किसी की कैसेट में कुछ और यादें हैं। और ऐसे ही मोहम्मद के पास भी एक कैसेट है जिसमें उसकी दादी का गाया हुआ एक गीत है जो उन्होंने अपने जमाने में गाया था। खैर आज सभी का हॉस्टल में आखिरी दिन है क्योंकि कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और कल सभी के घर वाले आकर अपने अपने बच्चों को यहां से ले जाएंगे। अब सभी बच्चे अपना सामान पैक करने लग जाते हैं। सभी को घर जाने की जल्दी है। अगली सुबह सब एक लाइन में किसी ट्रेन की तरह चलने लगते हैं और सभी के माँ बाबा अपने अपने बच्चों को लाइन से निकाल कर अपने पास रोक लेते हैं। कोई अपने बच्चे का माथा चूमता है, कोई गोद में उठाता है तो कोई गले से लगा लेता है क्योंकि शायद अपने दिल पर पत्थर रख कर ही इन सभी माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़ों को इतनी दूर भेजा होगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आगे जाकर कुछ बन सकें। क्योंकि पूरी जिंदगी तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए जिंदा नहीं रह सकते। खैर अब एक एक करके सभी बच्चों के माँ बाबा उनको आकर ले गए लेकिन मोहम्मद के घर से अभी तक कोई नहीं आया था। उसके सभी दोस्तों के जाने के बाद मोहम्मद काफी उदास हो गया। तभी मिस्टर रहमानी उसके पास आए। मोहम्मद ने कहा आपने मेरे बाबा को छुट्टियों के बारे में तो बताया है ना? मिस्टर रहमानी बोले अरे फिक्र क्यों करते हो, वो जल्दी ही आ जाएंगे। तभी उन्होंने प्लास्टिक के बच्चों वाले फोन से एक झूठ मूठ का कॉल लगाया और बोले अरे हुसैन साहब आप कहाँ रह गए, मोहम्मद कब से आपका इंतजार कर रहा है। क्या कहा, रास्ते में बस खराब हो गई है, ठीक है आप आ जाइए। ये सुनते ही मोहम्मद के मासूम चेहरे पर बड़ी सी उम्मीद की एक मुस्कान आ गई। एक झूठ ने मोहम्मद के मन को बड़ा सुकून दे दिया था। खैर इसके बाद उसकी दादी की कैसेट को चलाकर उसे रूम में बैठा दिया गया जिससे उसका मन बहल सके। लेकिन उसका इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा था। पूरी दोपहर निकल गई लेकिन उसके बाबा अभी तक नहीं आए थे। शाम होते ही वो वापस उसी बेंच पर आकर बैठ गया। पास से पानी की आवाज आने पर वो उसके साथ खेलने लगता है। तभी मोहम्मद का पिता वहां आता है और दूर खड़े होकर उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मोहम्मद से बिना मिले सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है। उसे देखकर मिस्टर रहमानी काफी खुश होते हैं कि चलो आखिरकार मोहम्मद का इंतजार अब खत्म हुआ। वो पूछते हैं हुसैन साहब आप मोहम्मद से मिल तो लिए है ना, वो कब से आपका इंतजार कर रहा है। तभी हुसैन कहता है कि मैं मोहम्मद को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि घर पर उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए आप उसे यही रख लीजिए। हेडमास्टर बोला अभी छुट्टियां पूरे 3 महीने तक हैं, इतने दिन तक वो यहां अकेले कैसे रहेगा और जब आप उसे यहां छोड़कर गए थे वो कितनी मुश्किल से यहां रह पाया। यही सोचकर कि वो छुट्टियों में अपने घर जाएगा और आप हैं कि मना कर रहे हैं, ये स्कूल है साहब, यहां के भी कुछ कायदे और कानून है। वही जब मोहम्मद ने अपने पिता की आवाज सुनी तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से अपने पिता के पास आकर बोला बाबा मुझे तो लगा जैसे आप आओगे ही नहीं, पर मैं कितना गलत था। अपने बेटे की इन बातों का हुसैन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो उससे बिना कोई बात किए बस वहाँ से उसे लेकर चल दिया। अब बाजार आकर अपने हाथ से बनाई कलीनों को बेचकर पहले कुछ पैसे लिए और फिर उन पैसों से 2 कंगन लेकर वो बस में बैठ गया। एक रात के सफर के बाद जब सुबह उसकी आँख खुली तो मोहम्मद अपनी उंगलियों से हवा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। घर लौटने की खुशी से मोहम्मद इतना एक्साइटेड है कि अपने पिता से ढेरों सवाल करने लगता है। बाबा क्या हम पहुंच गए, क्या सुबह हो गई, घर और कितनी दूर है। लेकिन वहीं उसके पिता हुसैन को तो जैसे अपने बेटे की बातों से कोई लेना देना ही नहीं था। वो चुपचाप उसे देखते रहता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अब गांव पहुंचते ही हुसैन मोहम्मद को एक घोड़े पर सामान की तरह लाद देता है और फिर अंदर गांव की तरफ जाने लगता है। गांव में आते ही मोहम्मद को अपनी मिट्टी की खुशबू आने लगती है। खुशी के मारे वो अपनी अज्जी यानी दादी को आवाज देने लगता है। इतनी देर में वहाँ से जा रही उसकी दोनों बहनें उसे देख लेती हैं और काम छोड़कर उसके पास आ जाती हैं। लेकिन हुसैन के मन में डर है कि गांव वाले उसके अंधे बेटे को देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए वो घोड़े के साथ दूसरे रास्ते से होते हुए अपने घर पहुंचता है। नीचे उतरते ही मोहम्मद अपनी छोटी बहन को छूकर देखता है और फिर तीनों भाई बहन अज्जी से मिलने खेत की तरफ चल देते हैं। अब खेत में मोहम्मद अपनी अज्जी से छिपने लगता है।
ताकि उनको सरप्राइज दे सके। लेकिन नादान बच्चा ये नहीं जानता कि उसकी दादी ने उसे देख लिया है। आंखों में आंसू ले आई दादी अपने आंखों के तारे मोहम्मद को आवाज देती है, तो मोहम्मद फौरन उसके पास आ जाता है। उसे महसूस होता है कि दादी रो रही है। वो उनके आंसू पोंछते हुए उनके हाथ में एक हेयर क्लिप देता है जो वो शहर से लाया था। बूढ़ी दादी अपने पोते की इस भावना को देखकर और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई, ये तुम्हारी बहनों के बालों में ज्यादा अच्छी लगेगी। मोहम्मद कहता है कि नहीं दादी, ये आपके लिए है, उनके लिए तो मैं और कुछ लाया हूँ। इसके बाद मोहम्मद अपनी छोटी बहन को कोल्ड ड्रिंक से बनी एक माला देता है और बड़ी बहन को लकड़ी से बनी एक कंघी। बूढ़ी दादी अपने मोहम्मद के प्यार को देखकर फूली नहीं समाती और उस क्लिप को अपनी स्वेटर में लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुसैन अपनी दूसरी शादी के लिए रिश्ता लेकर जाने वाला है, इसलिए वो अपनी शेविंग कर रहा है। उस लड़की का नाम होता है फरहनाज, जिसकी पहली शादी टूट चुकी है और उसके घर वाले भी उसकी दूसरी शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं। खैर, हुसैन उसके घर वालों को रिवाज के हिसाब से सभी सामान देकर शादी का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि फरहनाज को कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी दोनों बेटियां उसकी खिदमत करेंगी और मेरी माँ उसका हर काम में हाथ बटाएंगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हुसैन उनको मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं बताता। वो घबरा रहा है कि कहीं अंधे बेटे के बारे में पता चलने के बाद फरहनाज शादी के लिए मना ना कर दे। अब घर आकर हुसैन अपनी माँ से कहता है कि मैंने शहर में पता किया है, थोड़ी दूर एक गांव में एक कारपेंटर रहता है, वो भी जन्म से अंधा है और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मोहम्मद को वहीं छोड़ाऊं ताकि वो भी उसके साथ रहकर उस काम को सीख सके और अपना भविष्य बना सके। ये सुनकर अज्जी कहती है कि तुम मोहम्मद के भविष्य की फिक्र कर रहे हो या अपने भविष्य की। ये सुनकर हुसैन नजरें झुकाकर वहाँ से चला जाता है। माँ को पता है कि उसका बेटा मोहम्मद को यहाँ से भेजना चाहता है, लेकिन अज्जी ऐसा नहीं चाहती। मोहम्मद उनकी जान है, वो उसको अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती। खैर, अब अगले दिन दादी मोहम्मद को पास वाली दरगाह ले जाती है और वहाँ जाकर उसको पवित्र पानी पिलाती है। दादी दुआ कर रही है कि कोई चमत्कार हो जाए और उसके पोते की आँख की रोशनी आ जाए। हालांकि मोहम्मद को इसका एहसास नहीं, शहर आकर वो आत्मनिर्भर बन चुका है। वो खुद को किसी से कम नहीं समझता और किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहता है। इस बीच वो अपनी दादी से कहता है, अज्जी आपके हाथ बहुत मुलायम और सफेद है ना। दादी कहती है, नहीं मेरे हाथ खेत में काम करते करते कठोर हो गए हैं और ऊपर से काले भी। लेकिन मोहम्मद कहता है, नहीं अज्जी, मैं महसूस कर सकता हूँ आपके हाथ सफेद और मुलायम है। ये सुनकर दादी अपने पोते को निहारती रहती है। इसके बाद तीनों बच्चे अपनी अज्जी के साथ खेत में ही शाम तक का वक्त बिताने लगते हैं। मोहम्मद को हर चीज को छूने की आदत है, वो हर पौधे हर फूल को छूता है क्योंकि वो हर चीज को एहसास करना चाहता है। भले ही उसकी आंखें नहीं है, लेकिन वो अपने स्पर्श से हर चीज को समझने की तकनीक विकसित कर रहा है। उधर शाम को दादी भी उससे कहती है, नन्हे मोहम्मद अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें भी अब हर काम खुद करना सीखना होगा, साथ में पढ़ना भी होगा। मोहम्मद कहता है, हाँ दादी मैं बहुत पढ़ूंगा और आपकी बात को मुकम्मल करूंगा। पास खड़ा हुसैन इस बात को सुनकर चिड़चिड़ा रहा है। उसे तो बस अपने बेटे को यहाँ से दफा करने की पड़ी है ताकि वो अपनी शादी कर सके। अगले दिन वो उसी कारपेंटर के पास जाकर अपने बेटे के बारे में बताता है। हुसैन अपनी माँ को ये सब नहीं बताता क्योंकि उसे पता है कि वो मोहम्मद को नहीं जाने देगी। अब एक दिन दोनों बहनें स्कूल जाने लगी तो मोहम्मद भी उनके साथ जाने की जिद करने लगा। वो इतना भोला है कि उसे नहीं पता ये स्कूल नॉर्मल बच्चों के लिए है, न कि उसके जैसे बच्चों के लिए। इसलिए पहले तो दोनों बहनें स्कूल चली जाती हैं, लेकिन जब मोहम्मद नहीं मानता तो आखिरकार दादी उसे भी पीछे से स्कूल ले जाती हैं। स्कूल पहुंचकर वो पहले मोहम्मद को एक जगह खड़ा करती हैं और मोहम्मद की छोटी बहन के टीचर को इस बारे में बताती हैं। टीचर खुशी मन से मोहम्मद को उसी की छोटी बहन की क्लास में बुला लेता है। अपने भाई को देखकर बहन भी खुश हो जाती है। क्लास में सभी मोहम्मद के पास बैठना चाहते हैं। इसके बाद पढ़ाई शुरू होती है तो मोहम्मद पैराग्राफ्स को दूसरे बच्चों की अपेक्षा जल्दी और सही पढ़ने लगता है, जिसे देखकर टीचर भी हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ठीक से ना देखने के बावजूद मोहम्मद ने ये सब इतनी जल्दी कैसे सीखा। खैर, अब छुट्टी होती है और सभी बच्चे मोहम्मद से दोस्ती करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दूर खड़ा हुसैन ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है। उसे लगता है कि जितने बच्चे मोहम्मद को देखेंगे उतने ही लोगों को उसके बारे में पता चलेगा और बाद में उसकी हंसी उड़ाएंगे। असल में हुसैन को मोहम्मद से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिसे वो इज्जत समझ रहा है वो उसकी नादानी है और कुछ नहीं। अब वो घर आकर अपनी माँ को डांटने लगता है कि आप मोहम्मद को स्कूल क्यों छोड़कर आए, मैं उसको लोगों से छिपा रहा हूँ और आप उसे लोगों के सामने ला रही हैं।
फरहनाज के घर वालों को मोहम्मद के बारे में पता चल गया तो वो शादी तोड़ ना दें। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी बेटियों और आपका ख्याल कैसे रखूंगा? दादी अपने बेटे की बातों को सुन तो रही है, लेकिन उसे पता है कि हुसैन के अंदर ये सब फिक्र घर वालों के लिए नहीं बल्कि खुद की शादी के लिए है, और इसीलिए दादी को डर भी है कि कहीं हुसैन मोहम्मद को उस कारपेंटर के पास ना ले जाए। और ठीक ऐसा होता भी है। अगले दिन हुसैन बिना बताए मोहम्मद को वहाँ से ले जाता है। अज्जी जब घर आती है तो देखती है कि मोहम्मद घर पर नहीं है। अपनी छोटी पोती से पूछा तो पता चला कि हुसैन उसे समंदर दिखाने ले गया है। दादी को शक है कि हुसैन के इरादे ठीक नहीं है। वो भगवान से दुआ करती है कि मोहम्मद को कुछ ना हो। उधर हुसैन उसे समंदर पर लाता है और फिर खुद मिट्टी ढोने का काम करने लग जाता है। उसे लगता है कि इस बहाने तेज लहरें आएंगी और मोहम्मद को बहाकर ले जाएंगी, जिससे उसका पीछा छूट जाएगा। लेकिन मोहम्मद तो उल्टा उस पानी को, उस रेत को अपने हाथों से छूकर महसूस कर रहा है। इसके बाद हुसैन उसे जंगल में ले जाता है और अपने आप घूमने देता है। नादान मोहम्मद धीरे धीरे खाई की तरफ जाने लगता है और हुसैन को लगता है कि अब खेल खत्म। पर तभी दादी की दुआ काम आती है और एक लकड़हारा वहाँ से गुजरते हुए मोहम्मद को देखकर उसे बचा लेता है। ये देखकर अब हुसैन का पारा हाई होने लगता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर इससे पीछा कैसे छुड़ाए। तंग आकर वो मोहम्मद को अपने साथ लेकर बस स्टॉप की तरफ जाने लगता है। मिट्टी की खुशबू और गाड़ियों की आवाज़ सुनकर मोहम्मद को शक हो जाता है कि वो घर नहीं जा रहा। अपने पापा का हाथ झटक कर वो कहता है कि पापा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? हम घर क्यों नहीं जा रहे? हुसैन कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। ये सुनकर मोहम्मद समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो पीछे की तरफ भागने लगता है। लेकिन हुसैन उसको जबरदस्ती पकड़कर बस स्टॉप की तरफ ले जाता है। बस में बैठकर थोड़ी दूर जाते जाते मासूम मोहम्मद रोते रोते सो जाता है। आखिरकार जब आँख खुलती है तो वो उसी कारपेंटर के घर पहुँच चुका होता है। अब हुसैन अपने बेटे को वहीं छोड़कर चला जाता है। उसे कोई मलाल नहीं है कि उसका बेटा कैसा रहेगा, आखिर वो कैसे सारे काम करेगा, उसे तो बस अपनी शादी की पड़ी है। खैर, अब हमेशा चुलबुली मुस्कान रखने वाला मोहम्मद आज उदास है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए। अली यानी वो कारपेंटर उसका दुख समझता है, क्योंकि वो भी शायद ये सब कभी ना कभी झेल चुका है। उसका मन हल्का करने के लिए वो मोहम्मद को पीछे तालाब पर ले जाकर नेचर का एहसास करवाने लगता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि मोहम्मद रो रहा है। वो उससे कहता है कि रो क्यों रहे हो? मोहम्मद कहता है कि मेरे परिवार ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं देख नहीं सकता। मेरी अज्जी ने भी मुझे छोड़ दिया, जबकि वो कहती थी कि मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगी। मेरे टीचर रहमान सर मुझसे कहते थे कि इस दुनिया में जो लोग देख नहीं सकते उनको भगवान बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैंने पूछा कि फिर उन्होंने मुझे आँखें क्यों नहीं दी, क्यों मैं उनको देख नहीं सकता? तो मेरे सर ने कहा कि भगवान को कोई नहीं देख सकता, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उन्हें अपनी उंगलियों से छूकर महसूस कर सकते हैं। उस दिन से मैं हर चीज को छूकर महसूस करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कहीं तो भगवान का एहसास मुझे हो जाए और मैं उनसे अपनी आँखों की रोशनी मांग सकूँ। इसके अलावा मैं उनसे अपना परिवार मांगना चाहता हूँ। मैं अपनी बहनों, अज्जी और बाबा के बिना नहीं रह सकता। मेरी अज्जी अब बूढ़ी हो गई हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है। मेरी बहन बड़ी हो रही है, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। मुझे बड़े होकर बाबा के काम में हाथ बटाना है, इसलिए मैं हर जगह भगवान को ढूंढता हूँ। इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी गहराई वाली बात सुनकर अली भी चुप है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसको क्या समझाए या क्या बताए। उधर दूसरी तरफ जब हुसैन अपने घर वापस पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ भी भरी बारिश में घर छोड़कर जा रही है। मोहम्मद के जाने से वो बेहद दुखी है और हुसैन से उसे ये उम्मीद नहीं थी। हुसैन अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अज्जी नहीं मानती। आखिरकार हुसैन अब टूट जाता है और रोते हुए अपनी बात कहता है, आखिर मैं क्या करूँ? मैं एक अंधे बेटे का बाप हूँ, मेरी दो बेटियाँ हैं जिनका ख्याल मुझे रखना है। मेरी बीवी मुझे शुरू में छोड़कर चली गई। मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ? दुनिया से आँख मिलाने का साहस नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे भी किसी का सहारा चाहिए। इसमें गलत क्या है? लेकिन ये सुनकर भी माँ का दिल नहीं पिघला। वो जानती है कि एक असली बाप हर काम की जिम्मेदारी को समझता है। उसे बच्चों के आगे किसी चीज का डर नहीं होता। लेकिन अज्जी को अपने बेटे पर गुस्सा है और नाराजगी भी कि वो अपने बेटे को बोझ समझने की गलती कर रहा है, इसलिए वो बारिश में आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर हुसैन फिर आता है और रोते हुए माँ से रुकने के लिए कहता है कि माँ घर चलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। ठंड की वजह से माँ को बेहोशी आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। हुसैन उनको उठाकर घर ले आता है और सभी मिलकर उनकी देखभाल करने लगते हैं। अब बारिश बंद नहीं हो रही और दवाई भी खत्म हो रही है। इसी बीच हुसैन अकेले में बैठकर सोचता है
कि जिस तरह वो अपनी माँ के लिए तड़प रहा है, ठीक वैसे ही उस दिन मोहम्मद भी उसके लिए तड़प रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि माँ, मैं मोहम्मद को वापस ले आऊँ। ये सुनकर माँ चुप ही रहती हैं। वो किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। उन्हें डर है सिर्फ मोहम्मद का, कि वो इस वक्त कैसा होगा और उसका ख्याल कौन रख रहा होगा। खैर, अब बारिश बंद होती है और दो दिन में ही हुसैन के ससुराल से शादी के दिन तय हो जाता है। हुसैन फौरन उनको जाकर रिवाज वाली चीजें दे आता है, ताकि इस शादी में और देर ना हो और उसकी बेटी और माँ का ख्याल रखने के लिए फरहनाज जल्दी से घर आ सके। वापस आकर वो अपनी माँ से कहता है कि शादी का दिन तय हो गया है। माँ अज्जी अब अपने पास रखे पुश्तैनी जेवरों को लेकर हुसैन को देते हुए अगली शादी के लिए आशीर्वाद देती है। उसी रात मोहम्मद को कट फोड़वे की आवाज ने जगा दिया। उसे याद है दादी ने बताया था कि जब भी कट फोड़वा आवाज देता है तो कोई आत्मा स्वर्ग की ओर जा रही होती है। उधर दादी को भी एक अनोखा सपना आता है कि उनका मोहम्मद उनसे मिलने आया है, लेकिन सुबह होती है तो पता चलता है कि दादी ही स्वर्ग जा चुकी हैं। यही वजह थी कि मोहम्मद ने रात को कट फोड़वे की आवाज सुनी थी। अगले दिन पूरा गाँव जनाजे में शामिल होता है और यही हुसैन को भी एक शौक लगता है। शादी की वजह से वो जिस बेटे को छोड़ आया था, जिसकी वजह से उसने अपनी माँ को परेशान किया, वही रिश्ता अब टूटने जा रहा है। फरहनाज उससे इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे आने से पहले ही माँ की मौत हो गई, इसलिए मैं इस घर के लिए अच्छी नहीं हूँ और यही वजह है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर फरहनाज अपने सारे सामान लौटा देती है और यहाँ हुसैन फिर से अकेला हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जब वो इतना अकेला महसूस कर रहा है, तो वो बेटा जो देख भी नहीं सकता, वो अपने परिवार के बिना कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। अकेले में बैठकर आज हुसैन बहुत रोता है और फिर अपनी माँ की इच्छा के साथ साथ अपनी इच्छा से मोहम्मद को लेने पहुँचता है। अब हुसैन को अपनी गलती का एहसास होता तो है, लेकिन गाँव वालों का डर उसे आज भी है कि सभी क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। वो अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी मोहम्मद को घोड़े पर बैठाकर गांव की तरफ चलने लगता है। बारिश में रास्ता खराब हो गया था, इसलिए वो दूसरा रास्ता चुनता है, लेकिन इसी बीच वो रास्ता ही भटक जाता है। थोड़ी दूर में नदी की आवाज आती है तो उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसी नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए एक पुल था। अपने घोड़े और बेटे के साथ वो उस पुल को पार करने लगता है, लेकिन तभी पुल के पीछे का हिस्सा टूट जाता है और घोड़े के साथ साथ मोहम्मद भी उस नदी के तेज बहाव में गिर जाता है। गिरते ही घबराया हुआ मोहम्मद डूबने लगता है। पीछे मुड़कर हुसैन देखता है तो उसे याद आता है कि आखिरकार वो सब हो रहा है जो वो चाहता था। उसका बेटा मौत के आगोश में बस जाने ही वाला है, लेकिन ये क्या। हुसैन बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाता है। मोहम्मद चिल्लाते हुए कहता है कि बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस तरह वो पानी में इधर उधर बहते हुए मोहम्मद की तरफ बढ़ने लगता है और लहरें भी दोनों बाप बेटों को इधर उधर बहाने लगती हैं। आज हुसैन को अपनी जान और दुनिया की फिक्र नहीं, उसे बस अपना बेटा चाहिए। आखिर वो आज समझ चुका है कि जो उसके पास है वो उसकी कदर करने की जगह जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है। आखिरकार लहरें दोनों को इधर उधर पटक कर किनारे पर ले आती हैं और हुसैन बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो देखता है कि मोहम्मद किनारे पर चले जा रहा है। वो उसकी तरफ भागा और रोते हुए उसे गले लगा लिया। ऊपर देखा तो प्रवासी पक्षियों का झुंड अपने घर लौट आया है, ठीक वैसे ही जैसे हुसैन के पास अपनी उम्मीद और मोहम्मद के पास अपना परिवार। और यही होता है इस जबरदस्त कहानी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस मूवी के इमोशंस को आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, साथ ही इसको लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही इमोशनल मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।